हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी मेडिसिन डिस्कस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आपके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसे हम हेडेक कहते हैं। दोस्तों, हेडेक यानी सर दर्द बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका क्या क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, इसी पे छोटी सी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हेडेक यानी सिर दर्द दोस्तों बहुत से टाइप होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं इस सिर दर्द के, हम अगर देखा जाए तो। लेकिन कॉमनली जो मेजरली जो हेडेक हम देखते हैं वो या तो माइग्रेन होता है, या तो फिर साइनस हेडेक होते हैं, या तो टेंशन हेडेक होता है, या तो फिर क्लस्टर हेडेक होता है। तो दोस्तों, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं ये होते हैं क्या क्या हैं। दोस्तों, किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक जगह, चाहे किसी भी जगह, एक पिंच पॉइंट पे अगर हेडेक होता है अचानक वाला, उसे दोस्तों उसे हम माइग्रेन कहते हैं, चाहे यहाँ हो या यहाँ, जिसे हम अधकपारी, अधसिरा, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। सेकंड दोस्तों, क्लस्टर हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक भी दोस्तों वन साइडेड ही होता है, लेकिन ये आँखों के किनारे किनारे बहुत ही दबाव बना करके होता है, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो ये होता है। साइनस हेडेक दोस्तों, या तो येलोइश डिस्चार्ज, किसी को बहुत ज़्यादा साइनस होता है, बहुत ज़्यादा, आम भाषा में बोला जाए तो बहुत साइनसेस हो जाते हैं, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है और उसको सर दर्द बना ही रहता है, वो आते हैं साइनस हेडेक में। टेंशन हेडेक चौथा हेडेक, टेंशन हेडेक होता है। दोस्तों, टेंशन हेडेक में आप देखेंगे तो ये कुछ आम भाषा में देखा जाए तो ये जैसे जो लोग कुछ ग्रीफ में रहते हैं, या पिंच होता है, ट्रिगर्ड होता है कोई चीज़, एक मतलब एक जगह स्थिर हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो टेंशन क्रिएट होता है। जैसा कि नाम हो रहा है, टेंशन एक्चुअली जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टेंशन जो क्रिएट होता है वो माइंड में होता है खिंचाव सा, खिंचाव की वजह से जो दर्द होता है उसे टेंशन हेडेक कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टाइप्स थे, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसके मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको सिर दर्द हो, तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों से आराम मिलता है, एक रिलैक्स, मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो आप कुछ देर रेस्ट करने की ही सोचें, चाहे जितना भी आपके पास काम हो आप उस समय रेस्ट कर लें, ज़बरदस्ती उस काम को ना करें। पहला चीज़, एक छोटा सा मैनेजमेंट है, कोशिश करें कि कुछ भी, जिस चीज़ से आप, कुछ लोगों को लिक्विड से आराम मिलता है, जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं तो उससे आराम मिलता है, या जो भी जिस चीज़ से आपको रिलैक्स फील हो रहा है आप वो चीज़ तुरंत करें। ये छोटी से मतलब डिस्कशन था। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, माइग्रेन एक्चुअली, जैसे हम लोग अधकपारी कहते हैं, अधसिरा कहते हैं, तो मेजरली देखिए दोस्तों, अगर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, जैसे ये है बाएं साइड में, अगर आप पेन हो रहा है तो मेजरली हम जो दवाएं यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है स्पाइजेलिया का। स्पाइजेलिया जब हमें बाएं साइड में दर्द हो रहा हो सर का, तो हम स्पाइजेलिया यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, हमें अगर यही चीज़ दाएं साइड में हो रही हो, स्पाइजेलिया के साथ साथ दोस्तों बाएं साइड के लिए हम फेरम मेटालिकम भी यूज़ करते हैं, जिसकी जैसी कंडीशन हो। जैसे बाएं साइड में आपको कोई भी पेन हो रहा है तो आप फेरम मेटालिकम या स्पाइजेलिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपके पास फोकस्ड वे में आता है वो है राइट साइड का पेन। जब आपको राइट साइड पेन होता है तो आप उसमें मेजरली आप यूज़ कर सकते हैं सेंगुनेरिया कैनेडेंसिस नाम की एक दवा आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो माइग्रेन के कुछ टर्म्स हो गए। अगर हमें वर्टेक्स में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, ऐसे मतलब पूरे सर में डिफरेंट डिफरेंट जगह एक साथ पेन हो रहा है, तो हम बेलाडोना 6 नाम की एक दवा आती है, 6C बेलाडोना नाम से, तो
तो हम उसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। नेक्स्ट आप अगर फोकस करें तो जब हम ग्रीफ हेडेक में या टेंशन हेडेक में अगर हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है नेट्रोम्यूर नाम से, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके नेट्रोम्यूर के, और नेट्रोम्यूर को हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं नेट्रोम्यूर 200 के। इसके बाद दोस्तों कभी कभी हम जाते हैं बाहर, धूप लग जाती है या हमें लू लग जाती है या सन स्ट्रोक हो जाता है जिसे कहते हैं, उसमें हम दोस्तों एक मेडिसिन आती है ग्लोनाइन 200, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके इस केस में। तो दोस्तों सिम्टम्स जो आपके मैच करें आप उस हिसाब से उन दवाओं का यूज़ करिएगा। जैसे अभी और भी दो चार मेडिसिन्स हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक के लिए जब आंखों के किनारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उसमें सेड्रॉन नाम की एक दवा आती है, सेड्रॉन 30 या 200 भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। दोस्तों एक होता है गैस्ट्रिक हेडेक, गैस की वजह से बहुत हेडेक होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, बैठे रहने की वजह से, ये सब सेडेंट्री लाइफ जो डे टू डे लाइफ की है उसकी वजह से, तो उसमें दोस्तों नक्स वोमिका 30 नाम की एक दवा आती है, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेडिसिंस तो बहुत ढेर सारी है, लेकिन कुछ सिम्टोमेटिक हमने आपस में एक आम भाषा में डिस्कस किया है सिम्टोमेटिक मेडिसिंस। होप करता हूँ आपको इन मेडिसिन से लाभ होगा और हमारी बात आप समझ पाए होंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।